मैं तकरीर के लिए जोया आलम को दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। जोया आलम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ बिललाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरु मिन अल्फ़ शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमलिन सलामुन हिया हत्ता मतलाउल फज़्र। महतरम बुजुर्गों और प्यारे दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की सूरह कद्र की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है कि हमने इस कुरान को शबे कद्र में उतारा है। आपको खबर है कि शबे कद्र क्या है? शबे कद्र हजार महीनों से बढ़कर है। इसी रात को फरिश्ते और जिब्रील आमीन उतरते हैं अपने परवरदिगार के हुक्म से अमरे खैर को लेकर और रहती है सलामती तुलुए फजर तक। इस मुबारक सूरे में शबे कद्र की फजीलत बयान की गई है। ये रात रमजान मुबारक की आखिरी 10 ताक रातों में से कोई एक रात है, यानी 21, 23, 25, 27, 29 तारीख की रातों में से कोई एक रात है, यानी कोई एक रात है। और कुछ लोगों का कहना है कि 27वीं रात है। रमजान मुबारक की आखिरी 10 रातों में बहुत से लोग मस्जिदों में एतकाफ करते हैं, यानी दिन रात मस्जिद में ही रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा इबादत जिक्र दुआ तिलावत में ही वक्त गुजारते हैं। ऐसे लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि इनको ये रात आसानी से मिल सकती है, इसकी रहमतों और बरकतों को ये हासिल कर सकते हैं। इस रात की इबादत हजार महीनों से बेहतर बताई गई है। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि सिर्फ एक रात की इबादत में हजार महीनों की इबादत का सवाब मिल जाता है। पिछले जमाना की उम्मतों की उम्र लंबी होती थी और वो खूब इबादत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उम्र कम दी गई है, लेकिन पहले लोगों जैसी इबादत का सवाब ये उम्मत भी हासिल कर सकती है। शबे कद्र कौन सी रात में ये मुतायन नहीं किया गया, इसलिए इसकी तलाश में कई रातों को इबादत करने का मौका मिल जाता है। रवायतों में आता है कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे, उसी की नहुसत की वजह से शबे कद्र का तायुन छुपा दिया गया। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को आपस में लड़ने झगड़ने से बचाए, आमीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब रमजान शरीफ का आखिरी अशरा शुरू होता तो इबादत का बहुत ज्यादा इत्माम फरमाते, अज़वाजे मुतहरात और साहबजादियों को भी जगाते ताकि वो भी इबादत कर सके। हमें भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में इबादत करनी चाहिए और खूब रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह की तरफ से तो ऐलान होता है कि कोई रोजी मांगने वाला है कि मैं उसकी रोजी कुशादा करूं, सेहत मांगने वाला है कि मैं उसकी सेहत अता करूं। लिहाजा हम इसकी पुकार पर दौड़े। आखिर में अल्लाह पाक से दुआएं हैं कि अब तक हमसे शबे कद्र की जो नाकदरी है उन्हें माफ फरमाएं।